वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है साहिल मलिक और आप सबका अगेन आज मैं वेलकम करता हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। तो आज का जो मेरे पास अभी लास्ट वीडियोस पे जो लेटेस्ट अभी इंक्वायरीज आई हैं उसके ऊपर आज का वीडियो रहेगा। लोग कहते हैं कि सर हमें स्लोनी बोला जा रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि सर जीभ की कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हमारी जीभ स्मूथ हो जाए। तो सबसे पहले आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक के ऊपर हम करेंगे आज बात, जीभ की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी जीभ को फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं। फर्स्ट वन है, आपने इसकी मूवमेंट करनी है अपवर्ड डाउनवर्ड साइडवेज, और जितना मैक्सिमम इसको ऊपर तक या नीचे तक या साइडवेज तक लेके जा सकते हैं उतना ही आपके लिए बेटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहले मैं करूँगा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अब करूंगा साइडवेज। जीभ की मूवमेंट या ऊपर नीचे होती है या साइड में होती है, ठीक है ना। साइड में उस टाइम होती है अगर हम कुछ खाना पीना खा रहे हैं उस टाइम, लेकिन बोलने के समय या ऊपर जाएगी जीभ या नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सरसाइजेज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसको आप अच्छे से कीजिए। अगर एक समय पर आप इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 11 बार ज़रूर कीजिए, ये आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। एक हफ़्ता रेगुलर करना, एक हफ्ते बाद अगर आपको लगता है मेरी जीभ शुरू में मोटी थी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी या उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो एक हफ्ते बाद आपको डेफिनेटली इस चीज़ में रिलीफ मिलेगा। सेकंड टॉपिक आज हमारा है ब्रीथ के ऊपर, सांस को लंबा हम कैसे लेके जाएँ। ब्रीथ जब तक आपका लंबा नहीं होगा आपसे उतना ही ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। थोड़े सांस में थोड़ा बोलोगे या थोड़े सांस में ज़्यादा बोलोगे वहाँ दिक्कत आती है। तो इससे इसके लिए ब्रीथ की एक्सरसाइजेज हमेशा रहती है। मैं आपको एक ही बताता हूँ, ब्रीथ मुंह से लीजिए, नाक से नहीं, मुंह से लीजिए, और जितना लंबा ले सकते हैं उसको आप पहले अंदर सांस लीजिए। जैसे कि जितना लंबा लेके जाओगे उतनी ही आराम से क्लैरिटी के साथ बोला जाएगा। अब देखो, अब इसको अगर आपने यूज़ कैसे करना है, ब्रीथ वाली एक्सरसाइज को अगर आपने ये देखना मेरा ब्रीथ का लेवल है कितना, तो ओम सांस लीजिए और उसको यूज़ कीजिए ओम बोलने में, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के। दैट विल गिव यू क्लियर आइडिया कि आप कितने सेकंड तक आपकी सांस उस अक्षर को बोलने में यूज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले सांस लिया ओम, जितना लंबा लेके जाओगे एंड लेवल तक जब तक आपको लग रहा है एक सांस में मैं लगातार बोल पा रहा हूँ वहाँ तक लेके जाइए। इससे आपको स्टॉप वॉच आपको ये बताएगी आप 10 सेकंड तक लेके गए या 20 सेकंड तक। अगली बार और लंबा सांस, फिर उससे बार और लंबा सांस, जितना लंबा लंबा आप सांस लोगे आप ये देखना उतने ही स्टॉप वॉच में ज़्यादा सेकंड आपकी वॉइस या आपकी आवाज़ ज़्यादा जाएगी। थर्ड जो हमारा है टॉपिक वोकल कॉर्ड के ऊपर, वोकल कॉर्ड एक्टिव करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है इसकी मूवमेंट। अब देखो वोकल कॉर्ड यहाँ से आ रही है ना, वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेन होती है वो आप ओम के साथ भी इसको ये कर सकते हैं। जैसे कि ओम जितना ऊँचे लेके जाओ, सेकंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं रीडिंग के समय। अब जैसे रीडिंग हम कर रहे हैं कोई भी हिंदी का आर्टिकल या कोई हिंदी की अखबार में, रीडिंग स्पीच थेरेपी में हम रिकमेंड करते हैं रीडिंग हमेशा हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती एज़ कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी के अक्षरों में क्लैरिटी में दिक्कत आती है, तो इसलिए हिंदी की अखबार या हिंदी की नॉवल को उठाइए और रीड कीजिए, और उसको इतने आराम से करना, अपना वीडियो बनाइए कि मेरा बोला हुआ शब्द मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। दैट विल गिव यू अगेन क्लियर आइडिया कि आपका स्पीकिंग का लेवल क्या है आज की डेट में। फिर जो एक्सरसाइजेज हमारे वीडियोस में आ रही हैं आप उसको रेगुलर डेली बेसिस पे अटेम्प्ट कीजिए, फिर दो दिन बाद तीन दिन बाद अगेन वीडियो बनाइए, आपको फ़र्क अपने प्रीवियस और न्यू वीडियो में दिखेगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा माइंड थिंकिंग, कि हमारा दिमाग में क्या हम सोच के एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिमाग में अच्छा सोच के करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर यही सोच के करोगे इतनी जगह मैंने कर लिए एफर्ट, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, इस बंदे ने वो कहा था, उसने वो कहा था,
हमारी मेथडोलॉजी से जो भी मेरे पास आया है जिसने ऑनलाइन काउंसलिंग या कुछ भी लिया है, उसको अगर जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर वो उसने 100% उस चीज़ को दिया तो उसको 100% नहीं 101% रिजल्ट आया है। अब वो रिजल्ट आने का मतलब क्या है, एक बंदा तो एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा है पूरे जी जान से और एक कर रहा है चलो होना है 33% ही तो चाहिए, 33% मार्क्स के लिए अगर आप एफर्ट करोगे तो इम्प्रूवमेंट भी आपको 33% जितनी दिखेगी। एक्सरसाइज अगर आप 100% अपना लगाओगे तो इम्प्रूवमेंट 101% ज़रूर दिखेगी, ठीक है ना। उसके बाद है टॉपिक हमारा स्पीच। स्पीच के लिए मैं हमेशा कहता हूँ स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच थेरेपी का आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा एक मीनिंग बताया था। कोई भी अगर हमारे स्पीकिंग में दिक्कत होती है या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उसकी थेरेपी होती है, थेरेपी मतलब उस चीज़ के ऊपर मरहम लगाई जाती है चोट पे, उसको बोलते हैं हम स्पीच थेरेपी। वो आपकी वॉइस के ऊपर वर्क करती है थेरेपी ये, और जो चीज़ें आपको ख़राब कर रही हैं आपकी वॉइस को, आपको लग रहा है मुझे इस चीज़ से दिक्कत आ रही है, उस चीज़ के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है इस चीज़ से। तो स्पीच थेरेपी के अंदर आपको हमेशा फॉर्मूला वही याद करना है, स्पीड स्लो। मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी इसी चीज़ के ऊपर कि सर मेरे से धीरे नहीं बोला जा रहा। धीरे बोलना, लोगों को ये दिक्कत तो आती है कि मैं तेज़ नहीं बोल पा रहा, वो तो अच्छी बात है अगर नहीं बोला जा रहा। धीरे नहीं बोला जा रहा ये अपने आप को देखिए, अपना वीडियो बना के देखिए कि धीरे क्यों नहीं बोला जा रहा। धीरे बोलना सबसे आसान और इजी वर्क है। अगर मैं अपने अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरा नाम साहिल मलिक है, ये मैं तेज़ बोला या नॉर्मल बोला, अब इसको धीरे बोलना तो आसान है, जैसे कि मेरा नाम साहिल मलिक है। वर्ड्स पे आ जाओ, धीरे बोलने का मतलब है वर्ड्स पे आ जाओ, सेंटेंस के पीछे मत भागो। चार चार पांच पांच वर्ड एक बार में बोलो और एक दो सेकंड का बीच में रुको, फिर अगेन दोबारा बोलो सांस लेके, उससे क्लैरिटी आएगी, फ्लुएंसी आएगी, हेल्प करेगी आपकी हर चीज़ की दिक्कत को ओवरकम करने में। अगर और भी कोई वीडियोस, अगर और भी कोई अगर आपको लगता है मेरे वीडियोज़ में अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी इंक्वायरीज ज़रूर डालिए। और इस वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सरसाइजेज आज आपको बताई हैं, अब इसमें आपको ये सारे एक्सरसाइजेज हेल्प करेंगी अटकना तुतलाना हकलाना में। इसको शर्त एक ही है, दिल से करोगे मन से करोगे 100% दोगे तभी रिजल्ट आएगा। और ये इसका रिजल्ट स्पीच थेरेपी का ग्रेजुअल बेसिस पे आता है, इमीडिएट बेसिस पे कभी भी नहीं आता। इमीडिएट आपको रिजल्ट दिखेगा ज़रूर, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता उसको जब तक आप प्रैक्टिकली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई इंक्वायरी हो आपकी मेरे इस वीडियो में भी इंक्वायरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोस, ताकि किसी न किसी को मेरे वीडियो से हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।